मीराबाई को श्री कृष्ण की सबसे खास भक्त माना गया है। वो वैष्णव भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक थी। मीराबाई के जन्म का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मान्यता अनुसार मीराबाई की जयंती शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। मीराबाई ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में व्यतीत किया। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका जन्म 1498 के आसपास मेड़ता के पास कुड़की गांव राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, जो कि एक छोटे से राजपूत रियासत के राजा थे। मीरा जी जब बहुत छोटी थी, तब उनकी माता का देहांत हो गया था। उसके पिता की परवरिश उनके दादा राव दूधा जी ने की। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति रम गई थी। कहते हैं एक घटना के बाद वह श्री कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियाँ छत से बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपवास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए ये कह दिया कि यही तुम्हारे वर है। ये बात मीराबाई के बाल मन में समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। यही वजह है कि वह शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इच्छा के विरुद्ध राजकुमार भोजराज के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह के कुछ सालों बाद ही एक युद्ध के दौरान मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद श्री कृष्ण की जोगन बन गई। कहते हैं मीरा कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन थी कि वह मंदिर में कान्हा की मूर्ति के आगे घंटों तक नाचती थी। मीरा कृष्ण को अपना स्वामी मानती थी, इसलिए कहते हैं कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। हालांकि मीरा की कान्हा के प्रति बढ़ती भक्ति उनके ससुराल वालों को खटकने लगी। इसी कारण कई बार मीरा को मारने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कृष्ण कृपा से वह हर बार बच गई। कुछ समय बाद मीराबाई संतों के रूप में रहकर कृष्ण भक्ति करने लगी। मशहूर संत होने के साथ साथ वह एक हिंदू आध्यात्मिक कवित्र भी थी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। आखिर में मीराबाई के शब्दों के साथ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाड़ी दी कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई, मोती मुंगे उतार बनवाला पोई, अंशु वन जल सिंची सिंची प्रेम बलि बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछा पिए कोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही।